नुहू मेवात मानेसर गुड़गावा सोहना में हुई हिंसा के साजिश करता वो सफेद पोश हैं जो हरियाणा की सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं। पांच तथ्य बिल्कुल सामने हैं। पहला, खट्टर साहब को और उनकी सरकार को ये LIU यानी इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट थी कि इस प्रकार की हिंसा एक प्लान्ड तरीके से एक साजिश के तहत होने वाली है, तो खट्टर साहब सोए क्यों पड़े थे, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। दूसरा, मोनू मानेसर जो एक कुख्यात हत्यारा और फरार बदमाश है, वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वीडियो जारी करके ये कह रहा है कि वो इस यात्रा में भी जाएगा और जिसे जो करना है वो कर ले और उसके साथी भी जाएंगे। बजाय उसको गिरफ्तार करने के, बजाय उसे पकड़ने के, हरियाणा के गृह मंत्री एक कुख्यात बदमाश फरार हत्यारे को क्लीन चिट दे रहे हैं। तीसरा, नू के SP को आपने छुट्टी क्यों भेज दिया, वो भी उस समय जब इस प्रकार की हिंसा होने वाली थी। क्या ये नहीं दर्शाता कि सरकार की दुर्भावना थी कि धार्मिक दंगे फैलें और राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। चौथा, अब तो केंद्रीय मंत्री जो वहां से सांसद भी हैं भाजपा के, राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने भी स्वीकार लिया कि यात्रा के अंदर पिस्तौल, बंदूकें, राइफल्स, भाले, लाठियां और अन्य हथियार थे। मुझे बताइए, धार्मिक यात्रा के अंदर भाले, लाठियां, बंदूक, पिस्तौल, राइफल्स की क्या आवश्यकता थी, सरकार ने ये क्यों ले जाने दिए ये जानते हुए कि झगड़ा होगा। चौथा, दूसरी तरफ अगर पत्थर इकट्ठे हुए नू शहर के अंदर तो वो एकदम तो हो नहीं गए, लोग इकट्ठे हुए, तो सरकार ने उन्हें डिस्पर्स क्यों नहीं किया, पत्थर क्यों इकट्ठे होने दिए, इसलिए कि धार्मिक टकराव हो, राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। और आखिरी में मैं ये पूछूंगा कि नू में हिंसा फैली, सोना में हिंसा फैली, बादशाहपुर में हिंसा फैली, मानेसर में हिंसा फैली, तो सरकार क्या कर रही थी, क्या वो सो रहे थे। पहले खट्टर सरकार ने जातीय दंगों के अंदर 4 से 5 साल पहले हरियाणा को झोंका था, 100 से ज्यादा लोग मरे थे, हजारों करोड़ की संपत्ति लूटी थी, उसका नतीजा ये हुआ कि उनको राजनीतिक रोटियां वोट की उन्होंने सेकी। अब वो धार्मिक दंगे करवाकर यही कर रहे हैं, तो जो असली साजिश वाले लोग हैं वो हरियाणा सरकार में भाजपा जजप्पा के अंदर बैठे हैं और सत्ता की शहतीर पर काबिज है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।